أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم असलम व्यूवर्स मैं डॉक्टर शमशीर हैदर आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ वीवर्स क्या हाल है आज मैं आपके लिए जो मेडिसन लेकर आया हूँ एपोस्टोम मेडिसन है ये पिकाना कंपनी की तैयार की गई मेडिसन है बहुत ही अफेक्ट्री मेडिसन है इसको हम पी के नाइन भी कहते हैं मेदी की तजाबियत गैस सोजिश बद हज़मी इन तमाम वार में इस्तेमाल की जाती है सीने की जलन मेदे की तजाबियत, सोजिश एंठन खट्टे डकारों का आना मतली का होना इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल की जाने वाली बेहतरीन मेडिसन है खाना खाने के बाद पेट का तन जाना पेट में हवा भर जानी अपहारा हो जाना ये भी इसके दारे अमल में आती हैं भूख की कमी का होना बदहज़मी गैस के लिए पी के नाइन एक बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है गैस बदहज़मी की वजह से अगर सर में दर्द हो इसके लिए भी बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है मेदे के अल्सर के लिए भी एक बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है बड़ी आंत के अंदर सोजिश हो जाए तो उसके लिए बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है इसके बाद हम इसकी कम्बीशन की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसन इस्तेमाल की गई है इसमें जो नंबर वन पे आती है मेडिसन वो है एंटम क्रोड एंटम क्रोड को डी एट में इस्तेमाल किया गया है ये मेडिसन मेदे की दर्द के लिए एक बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है वीवर्स एंटम क्रोड एक मेदे की बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है ये मेडिसन उस वक़्त काम करती है जब किसी पेशेंट ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो बदहज़मी कर ली हो तो उसके लिए बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है ये मेडिसन जैसे किसी ने दही भल्ले खा लिए फ्रूट चाट खा ली खाना खा लिया साथ ही दूध पी लिया और इसके साथ साथ कुछ ऐसे फल खा लिए जिससे बदहजमी हो जाए तो उन तमाम चीज़ों के लिए एंटम क्रोड एक बहुत ही अफ़ेक्टिव मेडिसन है वीवर्स पी के नाइन में जो दो नंबर पे मेडिसन डाली गई है वो बेलाडोना है बेलाडोना को डी फोर में इस्तेमाल किया गया है ये मेडिसन उस जगह पे बहुत ज़्यादा असर करती है जहाँ पे कोई सोजश हो जाए मेदे में सोजश हो जाए कोई आंत में सोजश हो जाए तो उसके लिए बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है तीसरे नंबर पर कॉलचिकम आती है ये डी सिक्स में इस्तेमाल की गई है कॉलचिकम और बहुत से इस्तेमाल की जाती है दर्दों में भी इस्तेमाल होती है मेदे के लिए भी इस्तेमाल होती है मतली के लिए भी इस्तेमाल होती है अक्सर ये उन लोगों के लिए बहुत ही अफक्टिव है जिनको फूड से एलर्जी होती है ये मेडिसन उन लोगों के लिए उन पेशेंट के लिए बहुत ही अफक्टिव मेडिसन है रिवर्स पी के नाइन में कोलोसेंथिस चार नंबर पे डाली गई है ये जो चार नंबर पे कोलोथसेंथिस डाली गई है ये डी फोर में इस्तेमाल की गई है गैस के लिए बदहज़मी के लिए और पेट दर्द के लिए खसूस ये बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है इसके अलावा पाँच नंबर पर नेट्रम फास है नेट्रम फास को डी फोर में इस्तेमाल किया गया है ये इसकी डी फोर जो है ये इसकी ताकत होती है ये मेडिसन भी मेदे की तजाबियत के लिए मेदे में जलन हो रही हो उसके लिए बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है सीने की जलन के लिए बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है सीने की जलन बहुत ज़्यादा हो जिससे पेशेंट को उल्टी आ जाए मतली हो तो ये बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है छः नंबर पे जो मेडिसन है वो नक्सोमिका है नक्सवामिका होम्योपैथिक में एक बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन समझी जाती है पेट की ख़राबी के लिए पेट के आवार के लिए यह डी फोर में इस्तेमाल की गई है मेदी की कोई प्रॉब्लम भी हो तो ये नक्सवामिका इस्तेमाल की जाती है नक्सवामिका जो है ये बवासीर में भी इस्तेमाल की जाती है बड़ी आंत की सोजश में भी इस्तेमाल होती है ये बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है सात नंबर पर रोबीना डी सिक्स में इस्तेमाल की गई है रोबीना एक बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है तजाबियत के लिए मेदे के दर्द के लिए और अल्सर के लिए जो वीवर्स आठ नंबर पर पी के नाइन में मेडिसन डाली गई है वो है मेलीफोलीम मेलीफोलीम को क्यूपटेंसी में डाला गया है और मेलीफोलियम भी एक मेदे की तजाबीत के लिए मैदे की आंत की सोजिश के लिए बड़ी आंत की सोजिश के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है लिवर्स अब इसकी प्राइस की बात करते हैं प्राइस जो है इसकी 560 रुपए है और पाकिस्तान में बहुत ही ईजी अवेलेबल है ये पाकिस्तान में किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आप खरीद सकते हैं ये बहुत ही अफेक्टिव मेडिसन है इसके साथ साथ वीवर्स अब हम इसकी डोज़ की बात करते हैं तो ये पंद्रह कतरे आपने सुबह इस्तेमाल करने हैं आधे कप पानी में डाल के पंद्रह कतरे आपने दोपहर को पीने हैं पंद्रह कतरे आपने शाम को पीने हैं और पंद्रह कतरे आपने रात को पीने हैं अगर वीवर्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा अल्लाह हाफिज़